और दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार और बढ़ेगी ठंड। कश्मीर विश्वविद्यालय की आज होने वाली परीक्षाएं क्यों हो गई स्थगित और अटल सुरंग के पास कितने और सैलानियों का हुआ रेस्क्यू। कोल्ड अटैक से जुड़ी खबरों के लिए अब देखते हैं टॉप 9 सर्दी का सितम। पहाड़ों में बर्फबारी और दिल्ली एनसीआर समेत देश के उत्तरी हिस्सों में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन भी बारिश हो सकती है। देश के उत्तरी हिस्सों के कई इलाकों में मौसम ऐसा ही रहेगा। बारिश के बाद से गलन के साथ ठिठुरन और बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के आपदा प्रबंधन विभाग ने एवलांच को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। विभाग ने पुंछ और किश्तवाड़ जिलों के ऊपरी हिस्से में मीडियम लेवल का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राजौरी, रामबन, डोडा, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और कारगिल में एवलांच आ सकता है। कश्मीर विश्वविद्यालय ने भारी बर्फबारी और ठंड को देखते हुए आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मौसम खराब होने की वजह से विश्वविद्यालय की अंडर ग्रेजुएट परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। जवाहर टनल के आसपास भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया। बनिहाल सुरंग के पास भारी बर्फबारी हुई है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के मुताबिक जवाहर सुरंग के आसपास भारी बर्फबारी की वजह से राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कुल्लू, चंबा, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे ठंड और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पुलिस ने अटल सुरंग के पास फंसी ठंड से परेशान 82 सैलानियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। पुलिस ने शनिवार को यहीं से 300 यात्रियों को बचाया था। बर्फबारी के कारण सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां फंस गई थीं। सैलानियों को निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया। राजस्थान के कुछ जिलों में कल जोरदार बारिश हुई। राज्य के पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से कम दर्ज किया गया। उधर सवाई माधोपुर में देर रात ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। दर्जन भर से ज्यादा गांवों में 80 से 90 फीसदी के नुकसान की आशंका है। ओले से कई पक्षी बेमौत मारे गए। कोल्ड अटैक के साथ हुई टेक्सास में नए साल की शुरुआत। टेक्सास में पेड़ से लेकर जमीन तक, सड़क से लेकर पहाड़ तक हर कहीं बर्फ ही बर्फ है। हर कोने, हर गली में बर्फ है। ओक्लाहोमा समेत कई जगहों पर 8.5 इंच बर्फ गिरी। इसकी वजह से हजारों लोगों ने साल का पहला दिन बगैर बिजली के गुजारा। ब्रिटेन में भीषण बर्फबारी की वजह से अलर्ट जारी है। सड़क, बस और ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रिटेन में जनवरी के आखिर तक 31 इंच तक बर्फ गिर सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।